दिनों के बाद आज घर से निकल रही हूँ, नहीं तो पढ़ाई पढ़ाई दिन भर स्टडी करना होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, यस, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक 15 या फिर 20 डेज के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यस, बिकॉज मैंने लास्ट एक व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए ऑफ लिया था, यानी ब्रेक लिया था। तो फाइनली मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है, परसों ख़त्म हुई है, तो कल फुल डे मैंने रेस्ट ही किया। एंड कल मेरी मामा की लड़की भी आई है हमारे घर घूमने के लिए, तो इसीलिए आज सोचा कि थोड़ा सा घूम के आते हैं। ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, सामने ही एक मंदिर है तो मंदिर का दर्शन आज करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज इसका ही थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस 15-20 दिन के बीच में मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया। तो या मैं शूट करूँगी कल या फिर परसों से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, शूट करूँगी। मैंने बहुत सारे कंटेंट्स भी सोच के रखा है, बिकॉज दुर्गा पूजा भी आ रही है, तो यस, मैं दुर्गा पूजा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी, मेकअप वीडियोज़ एंड ऑल, बहुत कुछ सोच के रखा है जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा डेफिनेटली। बट आज फिलहाल मैं जाने वाली हूँ अभी घूमने के लिए। सो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, यू कैन सी मैंने ये कुर्ती वेयर की है। अभी घर में रूम में मेरी मम्मी एंड मेरी जो सिस्टर है वो रेडी हो रही है, एंड मेरे साथ जा रहा है देवो भी, तो मेरा भाई भी रेडी है। तो जस्ट मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा फ्री हूँ तो आप लोगों के साथ ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड या बहुत दिनों के बाद आज घर से निकल रही हूँ, नहीं तो पढ़ाई दिन भर स्टडी करना होता है, एंड कुछ और भी कामों में मैं थोड़ा सा बिजी थी। मैंने सोचा कि आज थोड़ा घूम के ही आते हैं, क्योंकि मेरी बहन भी आई है तो उससे भी घूमने ले जाते हैं, एंड उसी बहाने में मेरी भी रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा हो जाएगी, क्योंकि घर के अंदर पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है। ऑल्दो मुझे अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स देनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है, तो और भी एक दो यूनिवर्सिटी की शायद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगी, लेकिन वो अभी नहीं है, कुछ दिनों के बाद है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो अभी मैं थोड़ा सा चिल कर सकती हूँ कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, यस 4:30 हो गई है। हम लोगों का प्लान था कि हम 3:30 को जाएंगे, बट 3:30 को इतनी तेज़ धूप थी तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ इतनी धूप में। एंड वो मंदिर मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, अराउंड 4 to 5 kilometers, तो मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा सा शाम होने दो, 4:30 या फिर 5 के बीच में मैं जाऊँगी, तो अभी तो मैं रेडी हूँ एंड अभी वेट कर रही हूँ उन लोगों का रेडी होने का। तो वो लोग रेडी होने जाने के बाद हम घर से निकलेंगे, तो मैं वहीं पर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, बाय। फाइनली हम आ गए हैं, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 10 मिनट्स लगी थी, तो जस्ट अभी हम आए हैं। एंड बहुत ही सुंदर है ये मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरी सिस्टर आई है, देवो, मम्मी, तो हम चार आए हैं, तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। सो गाइस, ये रही एंट्रेंस, एंड अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, एंड अभी शाम हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम फ़ोटोज़ क्लिक कर ले, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी। सो फोटो एंड ऑल क्लिक करके अभी हम अंदर आ गए हैं मंदिर के अंदर।
सो अब नीचे हमने दर्शन कर ली है, अभी हम आए हैं अपर फ्लोर में एंड यहाँ का जो व्यू है ना यहाँ से बहुत ही अमेजिंग है। सो ये जो सीन है ना, लाइक इट्स ऑसम। सनसेट का टाइम है एंड आप क्लाउड्स देख रहे हो, आसमान इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, लाइक आई एम जस्ट लविंग इट। सो इस फ्लोर में भी देखने लायक बहुत कुछ है। सबसे पहले तो इसका व्यू, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसका जो व्यू है दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। सनसेट का टाइम है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पे थोड़ा सा बैठ के ऐसे रहूँ, लाइक क्लाउड्स को ही देखते रहूँ। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से त्यौहार भी होता है साल में एक दो बार शायद, तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं एंड यहाँ पर रहते भी है, तो मैं एक बार आई थी। सो अभी हम जाएंगे यहीं पे अंदर एंड या मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी व्लॉग में कि मैंने क्या क्या देखा है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए क्योंकि ये मंदिर सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर ये सीलिंग आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। अभी कैमरा में इतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है लेकिन इन रियल इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाऊँ। वेट, एंड यहाँ पे वॉल में जो भी उन लोगों ने ये जो लगाई है ना फोटोज़ एंड ऑल, जो भगवान की जो पिक्चर्स है, सीनरीज है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहा है, लाइक बहुत ही अच्छा। इस वॉल की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग गई है, तो या एंड यहाँ पे मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मम्मी को, मेरी बहन को, डेबो को, सबको अच्छा लग रहा है। मम्मी को आप देख सकते हो, मेरी बहन वीडियो कर रही है लाइक ऐसे ही। एंड या मैं भी वीडियो में ही बिज़ी हूँ क्योंकि मैं भी वीडियो कर रही थी, क्योंकि या ये सब यू नो मेमोरीज के लिए अच्छी होती है। वीडियो जब मैं यूट्यूब में करती हूँ तो वो हमेशा के लिए रह जाती है, तो जब भी मुझे मन करता है तो मैं वीडियो में देख सकती हूँ यूट्यूब में, यू नो। बट मोबाइल में ऐसे सेव करने से डिलीट हो जाता है वीडियो। अभी यहाँ पे लाइटनिंग भी ऑन हो गई है तो अभी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम जब आए थे उतनी ज़्यादा लाइटनिंग नहीं थी क्योंकि शाम नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरीके से, लेकिन अभी शाम हो गई है तो अभी लाइट्स एंड ऑल सब कुछ ऑन है, तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जगह इतनी ज़्यादा है पीसफुल है ना, लाइक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, लाइक एकदम शांत, कोई नहीं है, लाइक इट्स ऑसम। देखो आप, सो यहाँ पे मंदिर में आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी फ़िलहाल मंदिर में कोई नहीं है क्योंकि अभी वैसे भी कोविड एंड ऑल चल रही है, मंदिर तो उन तक तो बंद ही था, शायद बंद नहीं था, लाइक कोई अलाव ऐसा नहीं था, मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता है। लेकिन हाँ आज हम आए हैं, अभी कोई नहीं है, शाम का वक्त है तो शाम के वक्त में वैसे ही अच्छा लगता है। एंड मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, अच्छा है। मेरी मम्मी एंड मेरी बहन एंड ऑल सब लोग पहली बार आए हैं, मैं इससे पहले भी आई थिंक एक दो बार आई हूँ।
कैसा लगा घूम के? अच्छा लगा। सो गाइस, मंदिर का दर्शन हमने कर लिया है, अभी शाम भी हो गई है, लाइक अंधेरा हो रहा है अभी। तो अभी हम फिर से जाएंगे घर। सो अभी हम खाने आए हैं फुचका, बिकॉज यानी पानी पूरी, बिकॉज मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो दही एंड बहुत ही क्या क्या दे के बनाते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एंड ये भैया बहुत ही टेस्टी फुचका बनाते हैं। आई एम बैक होम, मैं घर आ गई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 6। एंड अभी मैंने ड्रेस भी चेंज एंड ऑल कुछ नहीं की है, अब मैं जाके फ्रेश होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि फ्रेश होने से पहले मैं इस वीडियो को एंडिंग कर लेती हूँ। एंड या मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, तो मेरा मन है कि मैं इसे आज ही अपलोड कर दूँ। सो लेट्स सी कितने टाइम में मैं एडिट करती हूँ, अगर ज़्यादा लेट नहीं होगा तो मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो यस, अभी कल से या फिर परसों से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, एंड उसके साथ ही व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है व्लॉग करने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि लाइक हम लोग घूमने भी जाएंगे बहुत जगह पे, फिर इसके बाद लाइक मेरी कॉलेज की फेयरवेल भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यस, सो आई होप आप लोग वो सारी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। सो या आज इस वीडियो को मैं यही पेंड करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।